एंड वॉकिंग पोज, बोलिए सिटिंग एंड वॉकिंग, इससे हमारे पूरे पैर को मजबूती मिलेगा और सिर्फ पैर ही नहीं हमारे शरीर के पूरे त्वचा को टाइटनेस मिलेगा, यानी कि हम सदा चीज ओवर रहना चाहते हैं तो ये हमें करना चाहिए। थोड़ा बहुत ही मुश्किल है इसलिए मैंने बीच में रोक के कर रहा हूँ क्योंकि हमारा शरीर वार्म अप चाहिए इसके लिए। हम यहाँ बैठ जाएंगे, ये हमारा कौन सा आसन है बोलिए? दंडासन, हमारा ये प्रिपरेटरी पोज होगा, ठीक है। यहाँ हो गए दंडासन में, क्या ये खींचना होगा, एक्टिवेट कर लीजिए दंडासन, एक्टिवेट होगा और हाथ को फ्री कर लीजिए। ये सिटिंग हो गया, क्या हुआ सिटिंग, अब मैंने क्या बोला था सिटिंग एंड वॉकिंग, वॉक करेंगे मैट के लास्ट तक जाएंगे, ठीक है। इसका खासियत क्या है, हम कहीं भी कर सकते हैं, सोफा पर भी कर सकते हैं, जमीन में भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। ये देखिए थोड़ा स्ट्रेसफुल है इसलिए मैंने वार्म अप बॉडी लाया, ये देखिए कम से कम इनिशियली जब करेंगे फोर फॉरवर्ड फोर बैकवर्ड, ये हमारा इससे क्या हमारे हैमस्ट्रिंग ग्लूट ये काफ पूरे स्किन एक्टिवेट हो जाते हैं, हम बिल्कुल जवान हो जाते हैं। चलिए कीजिए हमारे साथ, आप लोग भी कीजिए सिटिंग एंड वॉकिंग स्टार्ट, सिटिंग एंड वॉकिंग दंडासन से शुरू होइए, हाँ आगे बढ़िए, बिल्कुल बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, बहुत अच्छा कर रहे हैं, हाँ ओनली इनिशियली फोर फोर ही लीजिए, ये आप कभी भी कर सकते हैं, किसी भी जगह कर सकते हैं, इससे आपको चीर यौवन यंग फोर ओवर हो जाएंगे, आपके स्किन टाइट हो जाते हैं, पैर के सारे मसल मजबूत हो जाते हैं। कीजिए सिटिंग एंड वॉकिंग, आप लोग भी बोलिए, हाँ याद रखिएगा अपने बेड पर भी कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल सही है, कीजिए मूव कराइए, इससे हमारे ग्लूट मसल भी एक्टिवेट होते हैं, ठीक है, धन्यवाद।